बैठक करने वाले राहुल तो अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी रविकांत राय जी जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा आज अध्यक्ष अमित शाह क्या कर रहे हैं। कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है और बड़ी धुआंधार कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने की, कांग्रेस के नेताओं ने भी की, गठबंधन के नेताओं ने भी की। आज भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को हमने केदारनाथ में अब से थोड़ी देर पहले देखा, अमित शाह क्या कर रहे हैं? 23 तारीख के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर संतोष है कि जो चुनाव प्रचार अभियान उन्होंने एक खाका खींचा था उसी के अनुसार पूरा चुनाव अभियान चला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा कि क्या सहयोगी दलों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 सीटें ला रही है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देख चुके हैं, अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कल सोमनाथ का दर्शन किया, लेकिन पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो संगठन महामंत्री हैं रामलाल, वो यहां पर मौजूद हैं और हर एक लोकसभा सीट पर जो उनके लोग हैं उनसे फोन करके जानकारी ली जा रही है कि वहां पर वोटर निकल रहे हैं कि या नहीं निकल रहे हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वहां पर चुनाव प्रभारी को लगातार फोन करके सहायता प्रदान की जाती है। तो बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जब 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो उसके फेवर में आएंगे और उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, कौन विभाग किसको दिया जाएगा। अब चर्चा इस बात पर भी होने लगी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से कैबिनेट पर विचार विमर्श शुरू कर चुके हैं और ये कॉन्फिडेंस कहेंगे मनोज जी की ओर कॉन्फिडेंस, 2004 में भी कैबिनेट बटी थी, इलेक्शन खत्म भी नहीं हुआ है और ऐसे में कैबिनेट डिसाइड करना, ये मेरे को लगता है कि थोड़ी ज़्यादा, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा दूर की बात है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि उन्होंने एक स्थिति पर जरूर विश्वास पर जरूर काम किया होगा कि अगर उनके नंबर कम आते हैं तो उसे कैसे पूरे करें। आपको ध्यान होगा कि KCR भी जो थोड़े दिनों पहले घूम घूम के सारी साउथ की पार्टी से बात कर रहे थे, उन्होंने स्टालिन से बात करी, YSR से बात करी, तो उसके पीछे लोगों का कहना ये था, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर साउथ के हैं उनका कहना ये था कि वो बेसिकली मोदी के कहने पर वाटर टेस्ट कर रहे थे कि उनमें से कितनी पार्टीज़ हैं जो ज़रूरत पड़ने पे उनको सपोर्ट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी टी पब्लिक में कुछ भी बोले या एक्सप्रेशन कुछ भी दे, लेकिन वो इस स्थिति के लिए भी तैयार हैं कि अगर नंबर कम आए तो उसको कैसे पूरा करें।